चीनी और आटा बहरान पैदा करने वाले बेनकाब हो गए। जहांगीर करीम, मोनस इलाही, चौधरी मुनीर और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार ने करोड़ों कमाए। साबिक लीगी एम पी ए गुलाम दस्तगीर की मिल्स को 14 करोड़ का मुनाफा। मेरे पास 6 मिले हैं पाकिस्तान में, इसके अंदर जिस तरह की ये जो बातें की गई हैं बिल्कुल गलत हैं। आपको ये गलत बयानी आप लोग ना करें, आवाम को ये गलत रास्ते पे ना लगाएं। जहांगीर करीम ने तहकीकाती रिपोर्ट गलत करार दे दी, कहा वाजिद जिया से कहेंगे आवाम को गलत रास्ते पर ना लगाएं। ट्वीट भी किया, लिखा मार्केट में 20% शेयर के बावजूद चीनी 12.28% बरामद की। रमजान में चीनी 100 रुपए फी किलो बेचने पर सट्टा लग चुका है, इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। कार्रवाई की सिफारिश, 9 टीमें जहांगीर करीम के शुगर मिल समेत 10 मिलों का फॉरेंसिक तजिया कर रही हैं। कमीशन 40 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। मुल्क में कोरोना से अमवात 41 हो गई, 2818 अफराद मुतासर। पंजाब 1131, सिंध 839, खैबर पख्तूनख्वा 338 और बलूचिस्तान में 185 मरीज सामने आए, 131 सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमरीका पर कोरोना के वार, न्यूयॉर्क में एक दिन में 630 अफराद हलाक। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हजारों मुलाजमीन क्वारंटीना में चले गए। अमरीका में हलाकतें 8454 हो गईं, 3,11,635 मुतासिर। न्यूयॉर्क में फौज तैनात। दुनिया भर में कोरोना से 64,729 अफराद हलाक हो गए हैं, 12,02,433 मुतासिर हैं, 2,46,638 सेहतियाब हो गए। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर चमन और तोरखम बॉर्डर खोलने का फैसला, सरहदें 6 से 9 अप्रैल तक खोली जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बॉर्डर्स खोलने का मकसद अफगान शहरियों की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाना है। और सदारती अवार्ड याफ्ता कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की बरसी मनाई जा रही है, उनके कव्वालियां आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती हैं।